तो दोस्तों यही अष्टकोणीय कुआं है जो मुजफ्फरनगर में स्थित है। देखिए गाइस मेरे पीछे जो है ये बाएं का कुआं है जो गांव मुझेड़ा में स्थित है। मुझेड़ा में स्थित है, मीरापुर के पास ही है। तो ये बाएं का कुआं है और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो बहुत ज़्यादा गहराई थी, पर अब तो ये लगभग पूरा मिट्टी से भर चुका है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसे अब किस तरीके से बना हुआ है, पुरानी आकृति का है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही रात का बना हुआ है ये। ये देखिए काफ़ी पुराना जो बना हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं वे बोलते हैं कि ये एक ही रात का बना और भूतों के द्वारा बनाया गया ये कुआ था। पहले तो पानी रहता था पर अब पानी वानी वगैरह नहीं है इसमें, अब सूखा हो गया है बिल्कुल, क्योंकि पहले जो गहराई बहुत थी। उधर साइड में देखे साइड से गाइस ये कूद कूद के नहाया जाता था, देखिए कितनी गहराई है ये देखिए। किलोमीटर दूर है मीरापुर से और ये बोलते हैं कि एक ही रात का बना हुआ जो कुआ है ये तो काफी पुराना और चर्चित कुआ है गांव मुझेड़ा में। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है पड़ता है जिला मुजफ्फरनगर पड़ता है, ये देखिए। तो काफी सुंदर जगह है दोस्तों। तो पानी तो अब लगभग इसमें सूख चुका है, देखो जो टाइम था काफ़ी पानी था इसमें। तो ये बताते हैं कि जो इसकी आकृति है ये काफ़ी पुराने समय की है, एक बार जरूर आए, गांव मुझेड़ा में स्थित है ये और काफ़ी सुंदर जगह है। सकते कितनी ऊंचाई है, पैड़ी भी काफी है ये देखिए। और ऊपर जो है वो तिरंगा है भारत की शान। और दोस्तों काफी अच्छी जगह है, एक बार जरूर आए। और वीडियो छोटी सी वीडियो थी, केवल निकलता जा रहा था तो बना ली। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो यही मकबरा है सैयद सैफ खां और उनकी माँ का मकबरा है। तो काफ़ी पुराना जो इतिहास है इस चीज़ का,